नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमी नेटवर्क टीम वाले में दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी की लेटेस्ट न्यूज़ जिसका आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था जितने भी एटोमी के इंडियन मेंबर्स हैं जितने भी एटोमियंस हैं इंडिया में जितने भी लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली पंद्रह लाख के आसपास लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और, और बाईस जून से एटोमी इंडिया की के चल रही थी डाटा माइग्रेशन का काम चल रहा था और डेफ़िनेटली काफ़ी लोग अंडर प्रोसेस हैं के वाई करने के लिए लगे हुए हैं और वेबसाइट के अंदर भी कुछ सिस्टम में बग्स आ रहे थे तो एटोमी इंडिया ऑफिशल्स की तरफ से उन सभी चीज़ों को दूर किया गया है जो भी आपने हमने सुझाव दिए एटोमी इंडिया ऑफिस को ओके और उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है तो सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो दो तीन दिन पहले अपडेट हुई हैं तो सबसे पहले जो यूज़र्स हैं जिन्होंने एटोमी में रजिस्ट्रेशन कर रखा है चौदह नवंबर से पहले और चौदह नवंबर 2019 के बाद सभी तरीके के मेंबर्स हैं तो 27 जुलाई को एटोमी इंडिया की वेबसाइट ओपन हो रही है वेबसाइट ओपन हो चुकी है ऑलरेडी लेकिन उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन आप नए मेंबर्स का नहीं कर सकते थे ठीक है और बाईस जून से के वाई का, का काम चल रहा है और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो होल्ड किया गया था कुछ टाइम के लिए और काफ़ी लोगों को इंटरनेशनल परचेजिंग्स आपकी ख़ुद की आईडी पे भी होल्ड किया गया था क्योंकि माइग्रेशन और केवाईसी का काम चल रहा है और अभी लेटेस्ट अपडेट जो है फ़र्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे 27 जुलाई से एटोमी इंडिया की वेबसाइट पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं जो नए मेम्बर्स एटोमी के साथ जुड़ना चाहते हैं अगर आप एटोमी टीम वॉरियर के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसका जो एजुकेशन सिस्टम है ट्रेनिंग सिस्टम हमारा बहुत ही बेहतरीन है इंडिया के अंदर हम बहुत ही बड़ी टीम बना चुके हैं और ग्लोबल टीम बना चुके हैं और अगर आप टीम वॉरियर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीम वॉरियर का जो एजुकेशन सिस्टम है ट्रेनिंग सपोर्ट है वो आपको और आपकी पूरी टीम को मिलेगा हमारे टीम का एक ही लक्ष्य है वन टीम वन गोल और गोल क्या है सक्सेस होना है यहाँ पे और सबसे पहले हम आपको एटोमी के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताएँगे आपको एजुकेट करेंगे ताकि आप कहीं भी खड़े होकर के कहीं से भी आप अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से हम आपको एजुकेट करेंगे आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे काफ़ी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है आप ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन एजुकेशन सिस्टम उस टीम के पास ना होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी पोजिशन लड़खड़ाती है और सक्सेस के चांस बहुत कम हो जाते हैं ठीक है तो डेफिनेटली आप टीम वारियर के साथ जुड़िए आपको एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और टीम वारियर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है ढाई साल से हम लोग काम कर रहे हैं रेगुलर से हमारी जूम मीटिंग आज से नहीं चल रही ढाई साल से हमारी जूम मीटिंग्स चल रही हैं तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो नंबर दिए गए उन पर कॉल कीजिए व्हाट्सअप कीजिए आपको टीम वारियर एजुकेशन सिस्टम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो नए मेंबर्स हैं अगर आपको एटोमी के लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू तो टाइम जब भी हम ऐटोमिक के बारे में कोई भी वीडियो अपलोड करें या कोई भी एजुकेशन वीडियो अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप देख सकें और आप नॉलेज वहाँ से ग्रहण कर सकें और आप अपनी टीम को एजुकेट कर सकें ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ है पहली जो न्यूज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सत्ताईस जुलाई तक काफ़ी लीडर्स वेबसाइट में कुछ बग आ रहे थे सिस्टम में और अपडेट हो रहा था टाइम टू तो टाइम जैसा हम एटोमी इंडिया ऑफिस को सुझाव दे रहे थे सभी लोग तो उसके बेसिस पर डेफिनेटली एटोमी इंडिया ने लॉकडाउन के अंदर भी बहुत बड़ा काम किया है और लॉकडाउन के अंदर काफ़ी कंपनीज़ के कॉल सेंटर शट डाउन हो गए थे लेकिन एटोमी इंडिया के ऑफिशियल्स ने आपकी वहाँ भी जितने भी एटोमी के रिगार्डिंग हेल्प है कस्टमर जो समायर ऑफिसर्स हैं हमारे कस्टमर केयर के उन्होंने आपकी पूरी हेल्प की है आपके कॉल को रिसीव किया और सोल्यूशन भी किया डेफ़िनेटली तो हम थैंक्स बोलेंगे हमारे एम मिस्टर अली सर को थैंक यू वेरी मच सर और नेक्स्ट न्यूज़ है जिन लोगों ने अभी तक के नहीं की है या आपकी टीम में के कंप्लीट नहीं हुई है तो ये न्यूज़ है सत्ताईस जुलाई तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए पहली चीज़ तो मैं ये बता रहा हूँ जिन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट कर चुके हो आप लोग तो आप लोग अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है ठीक है आप अपनी टीम की जो स्ट्रक्चर है वो अभी नहीं देख पाओगे स्ट्रक्चर के लिए आपको कोरिया की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा या यू की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा फिर आपको कहाँ पर अपने जो नए मेम्बर्स प्लेस करने हैं वो आप उस तरीके से स्ट्रक्चर वहाँ पर देख करके उनका स्पॉन्सर आई डाल करके तो वो सारी जो नई रजिस्ट्रेशन होगी आपकी टीम में वो आपकी टीम की स्ट्रक्चर के हिसाब से आप प्लेस कर सकते हो लेकिन एटोमी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है सत्ताईस जुलाई से ठीक है जो सत्ताईस जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसमें जो मेंबर्स केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं वो ही मेंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी टीम का क्योंकि वो ही मेंबर लॉगिन कर पाएंगे और नया जो नेक्स्ट जो स्टेप है प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कर पाएंगे और जिन लोगों की केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो उनके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप एटोमी इंडिया की वेबसाइट में लॉग तो कर पाओगे लेकिन जब तक आपकी के वाई नहीं होगी तब तक आप अपनी टीम नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाओगे क्योंकि के होना मस्ट है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है तो अगर अभी तक आपने के नहीं की है तो आप अपनी के स्टार्ट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए जो भी के का प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं उसमें के का एग्जैक्ट प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा ओके तो पहली न्यूज़ ये है तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कोरिया की वेबसाइट पे और यूएसए की वेबसाइट पे और इंडिया की वेबसाइट पे स्ट्रक्चर देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डाटा माइग्रेशन का काम अभी प्रोग्रेस में है पूरा नहीं हुआ है अंडर प्रोसेस चल रहा है ठीक है और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे एमडी सर ने बताई अभी लेटेस्ट कि आप लोग सत्ताईस जुलाई को जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो कृपया करके सभी लोग एक साथ वेबसाइट के ऊपर काफी हैवी लोड आ जाता है काफ़ी ट्रैफिक आ जाता है और उस ट्रैफिक की वजह से कई बार सर्वर्स हैंग हो जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सत्ताईस जुलाई से स्टार्ट कीजिए कुछ लोग अट्ठाईस जुलाई से स्टार्ट करेंगे कुछ लोग उनतीस जुलाई से और कुछ लोग तीस जुलाई से डेफिनेटली सभी का रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे ठीक है तो एक साथ अगर हम वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ा देंगे तो उससे वेबसाइट थोड़ी सी स्लो जाती है और कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके ऊपर ठीक है जिस प्रकार से मिस्टर अली सर ने ट्रेन का जो एग्जाम्पल दिया था आप एक स्टेशन के ऊपर जाते हैं वहाँ पर ट्रेन आ गई राइट टाइम पे टाइम फिक्स है और सब लोग एक साथ अगर एक डिब्बे के अंदर घुसेंगे तो घुस नहीं पाएंगे डेफिनेटली ट्रेन का टाइम भी वही है डेस्टिनेशन भी वही है तो वो ले करके भी जाएगी सभी को डेफिनेटली लेकिन एक साथ हम जाएंगे तो डेफिनेटली किसी को चोट लग सकती है ठीक है तो ट्रेन का जो एग्जांपल दिया है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सेम वे में वेबसाइट का ट्रैफिक होता है अगर वेबसाइट के ट्रैफिक के ऊपर हम वेबसाइट के ऊपर एक साथ सभी लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे सत्ताईस जुलाई से तो वेबसाइट थोड़ी स्लो हो सकती है और कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए आप अपना रजिस्ट्रेशन अट्ठाईस जुलाई से स्टार्ट कीजिए ट्वेंटी नाइन थर्टी लाइक दैट ओके पार्ट बाय पार्ट आप स्टार्ट कीजिए और वेबसाइट का जो स्मूथ फंक्शन है वो बना रहेगा डेफिनेटली नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक बीच में नई न्यूज़ में आपको देने जा रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज है भारत की वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में सुधार पंद्रहवें स्थान पर पहुंचा जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है और डायरेक्ट सेलिंग की जो न्यूज़ है उसमें इंडिया इंटरनेशनली पंद्रहें स्थान पे पहुंच चुका है इंटरनेशनली बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों ये आपके लिए हमारे लिए सभी के लिए जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और डायरेक्ट सेलिंग की नई नई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है सपोर्ट कर रही है डेफ़िनेटली अच्छी अच्छी कंपनियों को और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है क्योंकि कोरोना के टाइम में काफ़ी लोग दस करोड़ से ज़्यादा लोग जॉब खो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर्स में ठीक है और अभी डायरेक्ट सेलिंग सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एटोमी से बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है दोस्तों ये अभी आप देखोगे मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में और हमारे कुछ और वीडियोज़ आएंगे कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आई है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और 2.47 बिलियन डॉलर की सेल्स हो चुकी हैं दोस्तों 2019 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है तो सभी को हम कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है इंडिया में बहुत बड़ा है और इंटरनेशनली डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया पंद्रहवें स्थान पर आ चुका है डेफिनेटली ठीक है नेक्स्ट जो न्यूज़ थी सबसे बड़ी न्यूज़ 27 जुलाई 2020 से एटोमी इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा और 108 प्रोडक्ट हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं 102 कॉस्मेटिक्स के 6 लिविंग के प्रोडक्ट्स और हिमो हिम भी दोस्तों अंडर रजिस्ट्रेशन में है क्योंकि फूड की कैटेगरी के जितने भी एटोमी के प्रोडक्ट्स हैं वो अंडर रजिस्ट्रेशन है और उनका सैंपलिंग टेस्टिंग लैब टेस्टिंग चल रहा है और फूड की जो सैंपलिंग प्रक्रिया होती है इंडिया के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उसमें ठीक है जैसा कि हमारे एम सर ने बताया कि हीमोइम हीम की जो टेस्टिंग किट है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिस प्रकार से हीमोइम हीम बनाया जाता है बिल्कुल हर्बल तरीके से बनाया गया है और उसका भी धीरे धीरे सैम्पल चल रहा है और हीमोइम हीम दोस्तों लॉन्च होने वाला है इसकी अपडेट हमारे एमडी सर आपको बताएंगे ठीक है जैसे ही फाइनल इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रोडक्ट पास हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो हमारे एम सर की तरफ से आपको हिमो इम के बारे में न्यूज़ पता चल जाएगी कि हिमो इम स्टार्टिंग में आ रहा है या थोड़े टाइम के बाद आएगा डेफिनेटली तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें ठीक है और हिमोइम के बारे में लेटेस्ट अपडेट हमारे एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से आपको मिलता रहेगा तो उसकी जगह आप क्वेरी ना कीजिए कहीं इधर उधर जैसा कि एम सर ने ओपनली बता दिया है सभी को हिमो इम के ऊपर काम चल रहा है और जैसे रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको न्यूज़ ऑफिशियली मिल जाएगी तो वेट कीजिए आप ठीक है और नेक्स्ट बड़ी न्यूज़ है एटोमी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल लॉन्च हो रहा है तीस प्रोडक्ट्स के साथ ओन सेट थर्टी प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च हो रहा है और थर्टी प्रोडक्ट्स सभी लोगों की उत्सुकता है जानने की कि कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होगा तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए पेशेंस रखिए हमारे एमडी सर आपको डेफिनेटली एटोमी के जो थर्टी प्रोडक्ट्स हैं लॉन्च हो रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरी के हैं बाई नेम बाई प्राइस बाई पॉइंट वैल्यू अगले महीने शायद वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो सकते हैं और अगले महीने काफ़ी चीज़ें आने वाली है जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जुलाई के एंड तक एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है वो न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है डेफिनेटली ठीक है और अगस्त के महीने के अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ें आने वाली हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एम सर बाई फेस आकर के सभी को बता रहे हैं तो हमें कंपनी के साथ रहते हुए कंपनी के जो एथिक्स हैं और जो भी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं ऑफिशियली उन पे फॉलो कीजिए जो भी डाटा आपको बताया जा रहा है उस पर बिलीव कीजिए डेफिनेटली आपका और हमारा जो फ्यूचर है एटोमी इंडिया के साथ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों ठीक है तो कल जैसे एम सर ने बताया लॉन्चिंग की डेट तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि लॉन्च कब होगा कब होगा कब होगा तो एम सर ने अभी ये बताया है कि अक्टूबर और नवम्बर के बीच लॉन्चिंग की डेट रखी जाएगी अक्टूबर से पहले पॉसिबल नहीं है ठीक है पहले जो शेड्यूल दिया गया था सितंबर से नवंबर एटोमी इंडिया की तरफ से वो सेम शेड्यूल बरकरार है कोई चेंज नहीं किया है बस कंपनी ने ये बोला है कि अक्टूबर से नवंबर क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट नहीं हुई है ठीक है ना जो भी लॉन्चिंग की प्रक्रिया होती है जो भी प्रोसेस होती है उसको देखते हुए एटोमी इंडिया ऑफिस की तरफ से आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अप्रोक्सीमेट शेड्यूल आपको बता दिया गया अक्टूबर से नवंबर ठीक है और उसमें भी कुछ अगर चेंजेज होता है कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको बताया जाएगा लेकिन अभी आप मान के चलिए जो एम सर ने बताया अक्टूबर से नवंबर के बीच कंपनी लॉन्च होने की पूरी पूरी संभावना है और लॉन्चिंग से रिलेटेड अपडेट भी आपको अगस्त के महीने में कंपनी से और मिल जाएगी ओके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एटोमी एजुकेशन सेंटर एप्लीकेशन तो दोस्तों एटोमी एजुकेशन सेंटर के दो वीडियो आ चुके हैं ऑफिशियली और एक वीडियो मैं भी बनाऊंगा जिसमें बेसिक डाउट्स हैं आप लोगों के वो मैं दूर करूंगा ठीक है जो भी वीडियो बनाए गए एटोमी ऑफिस की तरफ से आप उसको देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे आपको एटोमी एजुकेशन सेंटर से रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर हो जाएँ जो बचे हुए हैं ओके और एजुकेशन सेंटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट होंगी मिड ऑफ अगस्त से जैसा कि कल भी सर ने बताया कि अगस्त में वो एप्लीकेशंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं प्री अथोराइज सेंटर ओके तो आपकी टीम में प्री अथोराइज सेंटर के लिए अप्लीकेशंस आपका जो रॉयल क्लब के मेम्बर हैं स्टार मास्टर एंड अबोव तो वो साइन करेंगे राइट right? तो प्री अथोराइज सेंटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो आप अपनी टीम के अप्लाइंस से बात कीजिए और आप उसके ने... बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है उसमें ठीक है नेक्स्ट महीने से स्टार्ट होगी और फिर आप अभी सत्ताईस जुलाई के बाद आप इंटरनेशनली अगर आपको प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं या आप जाकर के ले के आ सकते हो तो वो भी क्राइटेरिया अभी आपके लिए लागू हो जाएगा सत्ताईस जुलाई के बाद क्योंकि अभी होल्ड किया गया था काफ़ी लोगों को प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं स्पेशली हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह लाइक दैट तो वो आपका पार्ट है खुद का उसमें एटोमी ने क्लियर कर दिया है कि आप इंटरनेशनली प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं आपको उस प्रोडक्ट का पॉइंट वैल्यू मिलेगा डेफिनेटली लेकिन आपके लेफ्ट एंड राइट में जो लोग प्रोडक्ट बाई करेंगे उनका पॉइंट वैल्यू ग्रुप पर भी अभी इंक्लूड नहीं होगा और आपको कमीशन अभी नहीं मिलेगा क्योंकि एटोमी इंडिया अभी लॉन्च नहीं हुई ठीक है तो उसके लिए पेशेंस रखिए जब एटोमी इंडिया ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी तब आपको कमीशन वगैरह सारी चीज़ें तभी जनरेट होगा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल लॉन्च होने के बाद राइट नेक्स्ट और ये न्यूज़ है दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ठीक है और जैसे टीम स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता चुका हूँ कोरियन वेबसाइट पे या यूएसए की वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं और इंडिया की वेबसाइट पे अभी स्ट्रक्चर आप नहीं देख पाओगे थोड़ा टाइम लग रहा है और डाटा माइग्रेशन का काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा तब आप देख पाओगे डेफिनेटली ओके और एक नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जिन लोगों ने सात जुलाई से नौ जुलाई के बीच एटोमी इंडिया की जो वेबसाइट है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और सात से नौ के बीच एटोमी इंडिया की वेबसाइट में कुछ बग था तो वो मेंटेनेंस में थी ठीक है तो काफ़ी लोगों की क्वेरी है कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था और वो वेरीफाई नहीं हुआ है तो अभी ऑफिस से हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग सात जुलाई से नौ जुलाई के बीच जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करें क्योंकि उस दौरान जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस चल रहा था उसका ठीक है तो ये आपसे रिक्वेस्ट आप अपनी टीम को बताइए देखिए चेक कीजिए और दोबारा से अपलोड कीजिए ओके और ये न्यूज़ दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए मेरे लिए आपको प्राउड फील होगा एटोमिक के अंदर ज्वाइन होने पर ओके okay, बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसा कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन वीडियो मीटिंग की हमारे सीईओ मिस्टर हैनगिल्स पार्क बहुत बड़ा विजन है दोस्तों उनका उसके बारे में कोई वर्ड ही नहीं है इतना बड़ा विजन है एटोमी रीराइटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री रीराइटिंग क्यों कर रही है एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्यों क्रिएट करने वाली है बहुत बड़े मार्केट को डिस्ट्रक्ट क्यों करने वाली है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसा कि आपको पता है आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस टेक्नोलॉजी के अंदर एटोमी काफ़ी टाइम से काम कर रही थी कोरोना लॉकडाउन के अंदर इस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा था ठीक है और काफ़ी सालों की मेहनत है जो सक्सेसफुल हो चुकी है और एटोमी के सी ई ओ ऊपर रेगुलर काम कर रहे हैं ठीक है जैसा कि इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की थी सन 2000 के आसपास आई एम और वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था उसी टाइम इनको मालूम हो गया था कि ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा फ्यूचर है तो ये विजन शायद तब आया होगा और इन्होंने काम स्टार्ट किया है काफ़ी टाइम हो गया और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है एटोमी के अंदर जिसको बोलते हैं एटोमी एक्स आर एक्सटेंडेड रियलिटी एटोमी फोर डी ऐप यूर ऑनलाइन पर्सनल शॉपिंग मॉल एटोमी लेटेस्ट फोर डी ए आई एक्स आर टेक्नोलॉजी जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं थ्री डी क्या होता है ये एडवांस पे काम कर रहे हैं फोर डी और उसके एक एप्लीकेशंस भी लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्दी एटोमी फोर डी एप्लीकेशंस और उस एप्लीकेशंस के ऊपर आपका ऑनलाइन शॉपिंग मॉल होगा आपका पर्सनल शॉपिंग मॉल होगा आप आपका सोशल कनेक्टिविटी होगा आपकी पूरी टीम के साथ इस तरीके का आ रहा है बहुत बड़ा कंसेप्ट आ रहा है फोर एप्लीकेशंस और जो ए आई का मतलब होता है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और एक्स आर का मतलब होता है एक्सटेंडेड रियलिटी तो ये एक्स आर क्या होता है फोर डी क्या होता है ए आई क्या होता है ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा प्लेटफार्म आने जा रहा है और इसके बारे में हम अपनी टीम से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बता चुके हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसका वीडियो बहुत ही जल्दी मेरा तीन से चार दिन हो गए कंटिन्यू मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं और एक बहुत ही अच्छी पीपीटी मैंने बनाई है तो वो वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगा ठीक है नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा इसी एटोमी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उसके ऊपर होगा दोस्तों तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जो वीडियो आप देखोगे ये जो टेक्नोलॉजी देखोगे इसके बारे में जो नॉलेज आपको होगी डेफिनेटली आप प्राउड फील करोगे कि क्या बात है एटोमी में हम ज्वाइन हो चुके हैं बहुत सही टाइम पे ज्वाइन हो चुके हैं और इसका क्या फ्यूचर होने वाला है दोस्तों बहुत बड़ी बात है कोई भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है ना तो डेफिनेटली वो मार्केट्स में मार्केट में मैक्सिमम लीड्स क्रिएट करती है मैक्सिमम इंपैक्ट पैदा करती है मार्केट के अंदर लोगों को फील प्राउड करवाती है और काफ़ी बड़ा मार्केट वो कैप्चर कर लेती है सबसे बड़ी बात यह है और एटोमी काफ़ी बड़ा मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आते ही कितना बड़ा मार्केट कैप्चर होने वाला है वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों ठीक है और आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको डेफिनेटली बिल्कुल पसंद आया होगा और आप इस चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी कंटेंट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है इसको कॉपी है ये तो आप इसके ऊपर डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड ना कीजिए कहीं ना कहीं आपका चैनल बैन हो सकता है ओके और जैसा कि हम अपनी टीम में ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ओके okay, और आज का भी टॉपिक है डेली बेसिस पे नई नई चीज़ें हम बताते रहते हैं अपनी टीम को तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों और आप अपनी पूरी टीम की के जितना जल्दी उसके कंप्लीट कीजिए और जो भी लेटेस्ट अपडेट हमने आज आपको दी है उसके ऊपर गौर कीजिए और एटोमिक के जो रूल एंड रेगुलेशन एथिक्स हैं वो आप फॉलो कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एटोमिक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दोस्तों मिलती रहिए और सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स दिए हैं आप उनको फॉलो कीजिए और आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी टीम वॉरियर की तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों